अंकल मैं क्या आ सकता हूँ? हाँ बच्चे आओ, क्या है बात? एक्चुअली अंकल मेरे और भी दो दोस्त आए हुए हैं। हाँ तो उनको भी बुलाओ, क्या बात है? ओके अंकल मैं उनको बुलाता हूँ। रिंकी चिंकी आओ दोनों, क्या बात है? शर्मा के रहे, ये अपने अंकल हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटियो, कैसे है आपका हाल चाल? हाँ राहुल बताओ, किस मकसद से आए हो यहाँ पर, क्या बात है? एक्चुअली अंकल सामने हमारा एग्जाम है ना, इसी के लिए आप लोग आपके साथ कुछ बातें करने आए थे हम तीनों। हाँ क्या बात है, तुम लोगों को क्या कहना चाहते हो बताओ हमको। एक्चुअली अंकल प्रिंसिपल सर तो आपका भाई है ना, तो उनको बोलकर हमें जो क्वेश्चन पेपर है वो प्लीज लेके दो ना, हमको कुछ नहीं आता, हमको एग्जाम में फास्ट करना है। प्लीज अंकल प्लीज, हमको ये पेपर बहुत ही जरूरी है, प्लीज अंकल। हाँ अंकल प्लीज प्लीज अंकल प्लीज, हमको बहुत ही जरूरी है, वरना हमको घर से निकाल दिया जाएगा। बच्चों देखो, ये तो मैं नहीं कर सकता, अगर मेरा पास ये पावर होती तो मैं आप लोगों को दे देता, बट ये तो न्याय नहीं है। और भी बच्चे कितना मतलब मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम देने आ रहे हो, और तुम दोनों क्वेश्चन लेके पास हो जाओगे, ये तो नियम नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो मैं नहीं कर सकता, प्लीज सॉरी। प्लीज अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज हमको ये दे दीजिए। हाँ अंकल प्लीज दे दो हमको, हम जिंदगी भर ये एहसान नहीं बोलेंगे, प्लीज अंकल दे दो। अंकल प्लीज प्लीज दे दीजिए ना, प्लीज हम आपके बेटे जैसे हैं ना। नहीं बेटा, इतने साल क्या कर रहे थे, पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई करना तो एक अच्छी बात होती, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एग्जाम पास करो, इस बार फेल कर दो कोई बात नहीं, बट पढ़ाई करके पास करना जरूरी है। तो अंकल आप नहीं दोगे? नहीं बच्चों सॉरी, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मेरा एज भी 80 साल हो गया, इससे गलत काम करने के लिए मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा, तुम लोगों ने कहा, मुझे बहुत ही बुरा लगा। सॉरी अंकल हमारा गलती हुई, तो चलते हैं हम अभी, हम जाके पढ़ाई करते हैं अच्छे से रिजल्ट लाने के लिए। गुड बेटा गुड, तुम समझ गई, जाके पढ़ाई करो, पढ़ाई करके पास करना एक अलग ही मजा है। अच्छा बच्चों ठीक है, अब जाओ तुम लोग। ये अंकल हम चलते हैं अभी, बाय अंकल। बाय अंकल। मैं बहुत ही छोटा, मेरा एज है 15 साल, इसीलिए आपके पास आया था। अच्छा ठीक है, आपने जो बात रही होगी अच्छी बात है, चलते हैं। दोस्तों ऐसा गलती कभी ना करें, और भी कितना बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इतना इतना मेहनत करके और पैसा खा के क्वेश्चन देना कोई अच्छी बात नहीं है, तो क्या समझे मेरे इस वीडियो से, कुछ तो मिला होगा शिक्षा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड पे, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।